बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी जो हम एक एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे वो है ज़ीरोग्राफी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ज़ीरोग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर वर्ड एक बना है। फर्स्ट वन इज ज़ीरोस, दैट मीन्स दैट इज अ ज़ीरोस। सेकंड इज द ग्रेफोस। द मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस एंड ग्रेफोस इज द ड्राई राइटिंग। ठीक है, ज़ीरोग्राफी में हम ड्राई राइटिंग करते हैं। एक्चुअली हम खुद से नहीं लिखते, ये एक प्रिंटेड फॉर्म है। हम किस तरह एक पेज को किसी दूसरे ब्लैंक पेज के ऊपर प्रिंट किस तरह कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, किस मैकेनिज्म को हम यूज़ करते हुए ये काम करेंगे। ठीक है, और ज़ीरोग्राफी जो है इसका जो प्रिंसिपल है वो जो हमने कूलम्स ला पढ़ा था उसमें ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द ज़ीरोग्राफी। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर इसको देखते हैं कैसे। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसके बाद हम आ जाते हैं ये स्कीमेटिक डायग्राम उस मशीन के मैंने यहाँ पर ड्रा की है जिसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। यहाँ पर देखें, ये एक लैंप है, दैट इज यूज टू पुट द लाइट ऑन दिस कॉपीड पेज। जिस पेज को हमने कॉपी करना है उसके ऊपर हम यहाँ से ऐसे लाइट फॉल करते हैं और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो के इस ड्रम के ऊपर आ जाती है थ्रू द लेंस। ठीक है, ये जो है ये लेंस है। ठीक है जी, लेंस जो है वो प्रिंटेड पेज के साइज को, उसके ऊपर जो वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं उनको छोटा या बड़ा करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेज ऐसा है जिसको आपने कॉपी करना है या प्रिंट करना है किसी दूसरे पेज के ऊपर, तो उसका साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं लेंस की मदद से। ठीक है, ये इसका एक पार्ट है। इसके बाद जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो तीन हैं। फर्स्ट वन इज़ द ड्रम, सेकेंड वन इज़ द टोनर, एंड थर्ड वन इज़ द हीटेड रोलर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये है जी ड्रम, ठीक है, और इस ड्रम के ऊपर ही ये टोनर जो है, इसको टोनर कार्ट्रिज को हमने अटैच किया हुआ है। दिस इज अ टोनर कार्ट्रिज जिसके अंदर टोनर हमने फिल किया होता है। ठीक है जी, इसके बाद ये हैं हीटेड रोलर्स। ठीक है, इनका क्या काम है वो हम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ड्रम That is also known as heart of the machine. इसको मशीन जो है इसका हार्ट यानी इसका दिल कहते हैं, which is very important to this mechanism. और ये किसकी बनी होती है, ये मशीन का ये जो पार्ट है ये किस चीज़ से बना होता है, एल्यूमिनियम का ये बना होता है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर कोटिंग की होती है हमने सिलीनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम का बना होता है, हम एल्यूमिनियम का ही क्यों यूज़ करते हैं और सिलीनियम की ही कोटिंग इसके ऊपर क्यों की जाती है, ये हम आगे मज़ीद वर्किंग में इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके बाद हीटेड रोलर्स, हीटेड रोलर्स का काम ये है कि ये परमानेंट इम्प्रेशन के लिए है, यानी जो प्रिंट आप करना चाहते हो उसको उसको पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर फिक्स करने के लिए हीटेड रोलर्स को यूज़ किया जाता है। टोनर, टोनर इज ड्राई ब्लैक पाउडर। ये ब्लैक पाउडर जो है वो टोनर कार्ट्रिज के अंदर यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पाउडर होता है जिसको हम टोनर बोलते हैं। और यही ब्लैक पाउडर उस प्रिंटेड, जिस पेज को हम प्रिंट करना चाहते हैं उसके वर्ड्स को, उसके ऊपर जो भी कोई चीज़ स्कीम, कोई भी डायग्राम बनी हुई है उसको प्रिंट कर देता है। और ये जो हमारे पास पेज आता है प्रिंट होने के बाद उसके ऊपर जो ब्लैक कलर से लिखा होता है वो एक्चुअली ये टोनर पाउडर उसके ऊपर प्रिंट होता है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है जी, अब हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ड्रम जिसको हम हार्ट भी बोलते हैं मशीन का, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो एल्यूमिनियम का बना होता है,
इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और सेलेनियम की उसके ऊपर कोटिंग की होती है वो हमने क्यों की होती है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, क्योंकि हमें यहाँ पर चार्जेस से वास्ता पड़ने वाला है तो हमें कंडक्टिविटी जो है वो भी एक अच्छी चाहिए। तो एल्यूमिनियम इज़ गुड कंडक्टर एट लो कॉस्ट। ठीक है, और जो सेलेनियम है ये एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर मीन्स दैट शुड बी कंडक्ट व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी सेलेनियम के ऊपर ये तभी कंडक्ट करता है, और डार्क में यानी अंधेरे के अंदर ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। अगर इसके ऊपर चार्ज भी है तो वो मूव नहीं करेगा, वो कोई दूसरा चार्ज आने की वजह से वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा जब तक ये अंधेरे में रहेगा। ठीक है, ये इसके कुछ मेन पार्ट्स और ड्रम से रिलेटेड हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग में सबसे पहले जो पेज हमने प्रिंट करना है टू बी कॉपीड, जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, उस पेज को हम यहाँ पर इस ड्रम के ऊपर ऐसे उल्टा रख देते हैं। ठीक है, जब उस ड्रम के ऊपर हमने इसको उसके ऊपर ऐसे उल्टा रखते हैं तो लैंप की मदद से यहाँ से लाइट जाती है, इस पेज के ऊपर पड़ती है। इस पेज पर लाइट पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लेंस के थ्रू इस ड्रम के ऊपर आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या देखा कि लाइट पेज पर पड़ती है डायरेक्ट, और वहाँ से वापस फिर वो कहाँ आ जाती है, ड्रम के ऊपर आ जाती है। अब इस दौरान क्या होता है, अब देखें ये जो ड्रम है इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर चुके होते हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ अ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हम यूज़ करते हैं ड्रम को चार्ज करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस हैं ये इस ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक हो गया, अब देखें ड्रम के ऊपर हमने सेलेनियम की हुई है कोटिंग, जब तक इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं करेगी ये डार्क मोड में रहेगा तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा। ठीक है, अब देखें जो ही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर आती है, अब वो लाइट पूरे ड्रम के ऊपर फॉल नहीं करती, उसकी क्या रीज़न है देखें, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है एच इस पेज के ऊपर अंडरस्टूड है, ये ब्लैंक नहीं होगा, ऐसे अंदर से इसका ये फिल होगा। अगर ये ब्लैक कलर से भी है या जिस तरह से भी जिस भी कलर से है, ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा प्रिंट आता है। अब यहाँ पर देखें जब लाइट यहाँ इस पेज के ऊपर फॉल करेगी तो अब ये सारा पेज जो है ये एक ही कलर का नहीं है, कहीं पर ये ब्लू कलर है, ये एच के अंदर ये ब्लू कलर से फिल किया हुआ है, और ये बाकी सारा एरिया क्या है इसका, ब्लैंक है, वाइट है। अगर ये ब्लैक होल एट सपोज ये ब्लैक कलर में है तो जब लाइट इस पेज के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी उतने पोर्शन से लाइट जो वाइट पोर्शन होगा, क्योंकि ब्लैक कलर या कोई और कलर लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू वाइट कलर। तो वाइट कलर में से जितनी लाइट जाएगी वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होकर वापस इस ड्रम के ऊपर आ जाएगी, लेकिन जितने पोर्शन में ये लिखा हुआ है उतने पोर्शन पे लाइट जो है वो अब्जॉर्ब होगी और वो ड्रम के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें ये जहाँ जहाँ H लिखा हुआ है इसके अलावा जितना एरिया होगा ड्रम के ऊपर वहाँ पर लाइट फॉल करेगी, और जहाँ पर H है वहाँ पर लाइट फॉल नहीं करेगी क्योंकि वो यहाँ पर पेज के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, ड्रम था पॉजिटिवली चार्ज सारा, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये सेलेनियम की इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, और हमने पहले देखा था सेलेनियम का क्या काम है, ये फोटो कंडक्टर है। इसका मतलब जिस पोर्शन के ऊपर जितने हिस्से के ऊपर ड्रम के ऊपर लाइट फॉल करेगी वो हिस्सा सारा न्यूट्रल हो जाएगा। वो कैसे न्यूट्रल होगा, नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ड्रम बना हुआ है, वो कंडक्टर है, और उसके ऊपर हमने ड्रम की सेलेनियम लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है जिस तरह भी कोरोना वायरस की मदद से, और
जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी एच के अलावा जितने पोर्शन के ऊपर, तो वो एरिया, वो हिस्सा उसका कंडक्ट करना शुरू कर देगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो पीछे पोर्शन रह जाएगा जहाँ पर चार्ज रहेगा वो ये पोर्शन होगा, और इस एच जहाँ जहाँ ये एच लिखा हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिमेन रहेगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा क्योंकि इस हिस्से पर लाइट आकर ड्रम के ऊपर नहीं पड़ी, क्योंकि वो यहाँ पेज में अब्सॉर्ब हो चुकी है। समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो एच लिखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये ड्रम रोटेट करेगा और ये जो टोनर कार्ट्रिज है इसके अंदर हमने ब्लैक पाउडर, हमने यहाँ पर देखा कि ड्राई ब्लैक पाउडर जो है नेगेटिवली चार्ज, वो हमने इस टोनर कार्ट्रिज के अंदर रखा हुआ है, ये पाउडर इस ड्रम के ऊपर स्प्रेड होता है, नेगेटिवली चार्ज पाउडर है, यहाँ जहाँ जहाँ एच था वहाँ वहाँ जाकर वो पाउडर वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी एरिया था ड्रम का वो एरिया वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर चार्ज नहीं था, इसका मतलब वहाँ पर जो ये ब्लैक पाउडर है नेगेटिवली चार्ज, ये इस हिस्से पर जो जाकर नहीं चिपकेगा, बल्कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज से एच लिखा हुआ है या जो भी वर्ड होगा उस पेज के ऊपर वहाँ जाकर वो चिपक जाएगा ब्लैक पाउडर, बिकॉज देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ड्रम एंड टोनर इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इस वजह से वहाँ अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन होती है, तो उस हिस्से के ऊपर जाकर पाउडर ने जुड़ जाना है, वहाँ चिपक जाना है। अब क्या होगा, ये ड्रम रोटेट करेगा और ये ब्लैंक पेज इसके ऊपर आता है, इस ड्रम के ऊपर, जो इस ब्लैंक पेपर के ऊपर वर्ड हमने प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ब्लैक पाउडर की फॉर्म में ड्रम के ऊपर मौजूद है। अब ये इस पेपर ने आना है और इस ड्रम के ऊपर से होते हुए जब इसके साथ चिपकेगा तो ये प्रिंट इस पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो एच लिखा हुआ है पॉजिटिव से ये टोनर की मदद से ब्लैक हो जाएगा और ये सारा प्रिंट हो जाएगा इस पेज के ऊपर, फिर ये पेज गुजरेगा हीटेड रूलर में से। ठीक है, जब ये हीटेड रूलर में से गुजरेगा तो यहाँ पर वो जो पेज है उसके ऊपर एच प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो हीटेड रूलर्स का क्या काम है, ये उस इम्प्रेशन को जो प्रिंट हुआ है उसको परमानेंट करता है, उसकी उसको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, उसको ज़्यादा पक्का, ज़्यादा देर, उसकी लाइफ टाइम को ज़्यादा करने के लिए हीटेड रूलर में से गुजर रहा है ताकि वो प्रिंट उसके ऊपर फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए। ठीक है जी, तो ये थी इसकी वर्किंग। ठीक है, इसकी वर्किंग में सिंपल सी वर्किंग है, एक पेज के ऊपर लाइट फॉल करती है, वो लाइट कुछ हिस्सा यहाँ एब्जॉर्ब होता है, रिमेनिंग हिस्से पर अब्जॉर्ब नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर आ जाता है और ये एच इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले से ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड किया हुआ है और लाइट जहाँ जहाँ फॉल करती है सेलेनियम की वजह से वो हिस्सा कंडक्ट कर जाता है और न्यूट्रल हो जाता है, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स आके उस हिस्से को न्यूट्रल कर देते हैं और ये पोर्शन पीछे रह जाता है पॉजिटिव। फिर इसके बाद ये पॉजिटिव से एच लिखा गया, इसके ऊपर पेज आएगा और उससे पहले टोनर इसके ऊपर स्प्रेड होगा ब्लैक पाउडर नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, वो आपस में चिपक जाएंगे और पेज इसके ऊपर से जब गुजरेगा तो ये एच जो है इस पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, तो हीटेड रूलर में से पास करते हुए ये पेज हमारे पास बाहर आ जाता है और ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, ये एक पेज की जो कॉपी है हम दूसरे सादे पेज के ऊपर, सिंपल पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मशीन है इसका क्या नाम है, इसका नाम है ये, तो फोटोकॉपियर जो मशीन है, ये जो आप किसी भी पेज को, किसी भी आप पेज को कॉपी करवाने के लिए जब भेजते हैं तो वो जो एक ब्लैंक पेज के ऊपर उसका सेम प्रिंट दे दिया जाता है, वो फोटोकॉपियर मशीन एक्चुअली ज़ीरोग्राफी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है, जो आज हमने समझा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था प्रोसेस, एक पेज को दूसरे ब्लैंक पेज के ऊपर प्रिंट करना और कॉपी करना किस तरह हम करते हैं या वो मशीन किस तरह वर्क करती है उसको आज हमने समझा है, और ये एप्लीकेशन थी कूलम्स लॉ की, विच इज़ द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कूलम्स लॉ।
जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।